हमारे साथ बात करने के लिए और हमें एक्सप्लेन करने के लिए देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए बातचीत कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। बड़ा बहुत इवेंट है ये, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंडिया में काम हो रहा है। बहुत टाइट और बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं। 2024 3 साल तो हैं, फर्स्ट फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, जबकि हमारा इतिहास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हिस्ट्री डजन सजेस्ट कि हमने इतने लार्ज प्रोजेक्ट्स बहुत टाइम पे कम किए हैं, तो इस बार क्या हम सक्सेसफुल होंगे? दो दो 3 मिनट सुनते हैं, फिर हम नितिन रहेजा के साथ मार्केट की बातचीत आगे लेके जाएंगे। बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज जेवर के इस जनता के आंखों में एक नई चमक दिख रही है। जेवर और आसपास के जिलों की जनता, युवाओं में एक नई चमक दिख रही है, एक चमक सपना पूरा होने की, एक चमक। और वो चमक इसलिए केवल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपका आपने देखा था, उस सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए समस्त उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री जी इस नए हवाई अड्डे को देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, हम इसमें जाते रहेंगे और इसी कमेंट्री को हम कवर करते रहेंगे, लेकिन नितिन रहेजा हमारे साथ हैं इस समय।